कहते हैं इस दुनिया में हर कोई एक मकसद से भेजा गया है। इसी बात पर आधारित है पौलो कोहिलो की द एल्केमिस्ट नामक किताब। ये रचना एक लड़के के विश्वास की कहानी है जो अपने सपने की खोज में निकल पड़ता है और उसे पूरा भी करता है। हम सब में अपने सपनों को साकार करने की क्षमता होती है, बस जरूरत होती है एक एहसास की और उसे पूरा करना है इस विश्वास की। कल्पना कीजिए उस अलौकिक दृश्य की जब सर्वगुण संपन्न आदर्श नारी की मूरत सीता माता ने पहनाई थी वरमाला पुरुषों में सर्वोत्तम श्री राम को। वो क्षण जब दो नाम एक पवित्र बंधन में बंध गए और आज सदियों बाद भी साथ पूजे जाते हैं। आनंद लीजिए उस अलौकिक दृश्य की महिमा का सीता माता के स्वयंवर में। रामायण 24 फरवरी रात 9:30 बजे NDTV इमेजिन पर। मनुष्य हमेशा से ही प्रकृति प्रेमी रहा है। प्रकृति की गोद में उसे जो आनंद और सुकून मिलता है वो शहरों के आलिशान बंगलों में कहाँ नसीब होता है। इसलिए वो आधुनिक भागदौड़ की जिंदगी से उबकर कुछ समय के लिए प्रकृति के निकट रहकर फिर से तरोताजा अनुभव करता है। वो शहरों के लाउडस्पीकरों के शोर, ट्रक मोटरों के हॉर्न, रेल की सीटी, लोगों का कोलाहल आदि से अलग जंगल के वातावरण में घूमना पसंद करता है, जहां शेर की दहाड़, हाथी की चिंघाड़, बंदरों की किलकारियां, मैना का मधुर स्वर और झिंगुरों का भजन मन को आह्लादित करता है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर बहुत संपन्न है। यहाँ की संस्कृति अनोखी है और वर्षों से इसके कई अवयव अब तक अक्षुण हैं। आक्रमणकारियों तथा प्रवासियों से विभिन्न चीज़ों को समेटकर ये एक मिश्रित संस्कृति बन गई है। आधुनिक भारत का समाज, भाषाएं, रीति रिवाज इत्यादि इसका प्रमाण है। भारतीय समाज बहुधार्मिक, बहुभाषी तथा मिश्र सांस्कृतिक है। प्राचीन भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज तक सांस्कृतिक मूल्यों का अद्यतनीकरण हो रहा है। भूत पहचान के मोहताज होते हैं, उन्हें समय के गुजरने का एहसास नहीं होता। अक्सर उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होता है कि वो मर चुके हैं। कभी कभी वे उधेड़बुन की स्थिति में रहते हैं, जैसे कोई सपना देख रहे हैं। भूत सूंघ सकते हैं और उन्हें नींबू की गंध पसंद होती है। भूतों को हंसी मजाक पसंद होता है, उन्हें हंसते खिलखिलाते इंसान अच्छे लगते हैं। भूत कभी कभी अपने आसपास के वातावरण से ऊब जाते हैं। अधिकतर भूत खुश ही रहते हैं, पर कुछ भूतों में भावनात्मक गतिरोध बरकरार रहता है। वे इंसानों के सपनों में भी आ सकते हैं। आयुर्वेद आयुर्विज्ञान की प्राचीन भारतीय पद्धति है। ये आयु का वेद अर्थात आयु का ज्ञान है। जिस शास्त्र के द्वारा आयु का ज्ञान कराया जाए उसका नाम आयुर्वेद है। शरीर, इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग का नाम आयु है। आधुनिक शब्दों में यही जीवन है। प्राण से युक्त शरीर को जीवित कहते हैं। आयु और शरीर का संबंध शाश्वत है। आयुर्वेद में इस संबंध में विचार किया जाता है, फलस्वरूप वो भी शाश्वत है। जिस विद्या के द्वारा आयु के संबंध में सर्व प्रकार के ज्ञातव तथ्यों का ज्ञान हो सके, या जिसका अनुसरण करते हुए दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति हो सके, उस तंत्र को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। बाघ जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनपाई पशु है। ये अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। इस प्रजाति के अन्य पशुओं के नाम इस प्रकार हैं: शेर, जगवार, चीता और तेंदुआ। बाघ 13 फीट लंबा और 300 किलो वजनी हो सकता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। इसकी आयु लगभग 15 वर्ष होती है। लगभग 3.5 महीने का गर्भाधान काल होता है और एक बार में 2 से 3 शावक जन्म लेते हैं।
ये भारत का राष्ट्रीय पशु भी है।